राजधानी दिल्ली का मौसम इस समय सभी मॉडल को फेल कर रहा है, जिसके चलते पूर्वानुमान भी सटीक नहीं हो पा रहा। बीते गुरुवार को अनुमान था कि आज का तापमान 21 डिग्री रहेगा, लेकिन इससे विपरीत ठंड ने वापसी कर ली। आज सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा कई इलाके में घना कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी को शीतलहर और 21 जनवरी को राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है। आज और कल ठंड के साथ कोहरा भी परेशान करेगा। शुक्रवार सुबह जब लोग सोकर उठे तो मौसम के मिजाज से उन्हें अंदाजा हो गया था कि ठंड ने वापसी कर ली है। आज का दिन भी काफी ठंडा रहने वाला है। हवाएं भी काफी ठंडी चल रही हैं। अधिकांश इलाके में धूप 12 से 1 बजे तक निकलेगी, वहीं ये हल्की रहेगी। शुक्रवार को कुछ इलाकों में शीतलहर ने भी वापसी कर ली है। इस बार शीतलहर ने दिन में वापसी की है। अधिकतम तापमान महज 14 डिग्री रहा, ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा, ये सामान्य से 1 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर भी ज्यादा है। पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय घने से अति घना कोहरा रह सकता है। कुछ इलाकों में दिन के समय शीतलहर रहेगी। अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रहेगा। हवा और ठंड के कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 जनवरी को येलो अलर्ट है। कुछ जगहों पर शीतलहर चल सकती है। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रह सकता है। कोहरा कम रहेगा, मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है। 22 जनवरी और 23 जनवरी को अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक रह सकता है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है। इसके बाद 24 से 25 जनवरी को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रह सकता है। सुबह के समय मध्यम कोहरा रहेगा। राजधानी का मौसम नए नए रंग दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से धूप खिल रही थी, जिसकी वजह से दोपहर में सर्दी में राहत थी। गुरुवार को सूरज दोपहर में निकला था, अब शुक्रवार को काफी हल्की और कम देरी से धूप आई, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान महज 14 डिग्री रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से होकर गुजर रहा है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं लौट रही हैं। रात के तापमान में गिरावट आ सकती है और वीकेंड पर ये सामान्य से नीचे रहने की आशंका है। वीकेंड पर आसमान में धुंध की स्थिति रहने की संभावना है। शनिवार और रविवार को दिन के समय शीतलहर रह सकती है। अब 26 जनवरी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने का आसार नहीं है। 26 जनवरी के तुरंत बाद एक मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसका असर सिर्फ पहाड़ी राज्यों तक सीमित रहेगा। ऐसे में दिल्ली NCR में शुष्क मौसम बना रहेगा। पूरी जनवरी लगभग शुष्क रह सकती है।